नीतीश का अपना चैनल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,009 तकरूरी याफ्ता अहलकारों को सौंपे तकरूरी नामे। कहा हुकूमत ने भर्ती के अमल में की हैं तब्दीलियां। एसएससी ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 जबानों में भर्ती इम्तहानात का शुरू किया है। इनाकात। वज़ीर दाखला अमित शाह आज से मध्य प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर। छिंदवाड़ा में चलाई बीजेपी की इंतखाबी मुहिम। प्रियंका गांधी ने दमों में की रैली। मिजोरम के तू यचांग में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे बीजेपी सदर जेपी नड्डा। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने महुआ मोहतरा के जरिए पैसे लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के मामले पर किया सख्त तशवीश का इजहार। कहा यह है कौमी सलामती का मामला और इस पर सख्त कार्रवाई की है जरूरत। दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी से पैदाशुदा सांस लेने में दुश्वारी का मसला बढ़ रहा है। मुसलसल फिजाई आलूदगी की सतह मुसलसल इजाफा। आज भी हुआ खराब जुमरे में। जहरीली हवा ने मुंबई में भी बढ़ाई तशवीश। गजा में ताजा तरीन फिजाई हमलों के दरमियान अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की करारदाद मंजूर। भारत ने दोनों फरीकों से कशीदगी कम करने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने एशियन पैरा गेम्स में भारत के तमगों की सेंचुरी मुकम्मल होने पर किया खुशी का इजहार। पीएम मोदी ने एथलीटों की सलाहियत सख्त मेहनत और पुख्ता आजम को करार दिया कामयाबी का नतीजा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा तकरूरी नामे तो तैनात मुलाजमीन में तकसीम किए। ये 37 मकामात पर मुनक़दा रोजगार मेले के दौरान तकसीम किए गए। काबिल जिक्र है कि रोजगार मेला रोजगार के मौके पैदा करने की अवलिन तरजीह देने के वज़ीर-ए-आज़म की अहदबस्तगी के सिमत अहम कदम है। 9 तैनात मुलाजमीन को भी कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए खुद की तरबियत साजी का मौका मिल रहा है। कर्मयोगी प्रारंभ IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जो कहीं भी किसी भी डिवाइस से सीखने के फॉर्मेट के तहत 750 से ज्यादा ई लर्निंग कोर्स पेश करता है। पीएम मोदी ने कहा कि हुकूमत ने भर्ती के अमल में तब्दीलियां की हैं। उन्होंने कहा कि SSC ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 जबानों में भी भर्ती के इम्तहान का इनका शुरू कर दिया है। हमने भर्ती प्रक्रिया को न सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। SSC के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है।
वज़ीर आज़म ने कहा कि हर मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतों के हामिल अफराद होते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की नौजवान क़ुव्वत जितनी मजबूत होगी मुल्क उतना ही तरक्की की राह पर गामज़न होगा। हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ्य होता है, किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कोई खनिज से संपन्न होता है, तो किसी के पास लंबे समुद्र तट की ताकत होती है, लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए जिस सबसे बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है वो होती है हमारी युवा शक्ति। युवा शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी देश उतना ज्यादा विकास करेगा। पीएम ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना मुल्क की तामीर और तरक्की के अमल का हिस्सा है। तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा। कोई भी नई स्किल सीखने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उसे निरंतर अपस्किल और रीस्किल किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के ट्रेडिशनल स्किल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है। मेरे परिवारजनों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक इंतखाबी रैली से खताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर को इतने सालों तक रोके रखा, लेकिन अब नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे और मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलला की स्थापना भी होने वाली है। भाइयों और बहनों, राहुल बाबा, मैं जब भाजपा का अध्यक्ष था हर रोज ताने लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी, जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। इससे कबल अमित शाह ने जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के मुजस्समों पर गुलहाए अकीदत नजर किए। और राजस्थान बीजेपी के सदर चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस के कई लीडर आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिनमें से साबिक कांग्रेस लीडर चंद्रशेखर बेद और नंदलाल पुनिया भी बीजेपी की रुकनियत ले रहे हैं। वो भी कई बार एमएलए रह चुके हैं। ज्योति खंडेलवाल जयपुर की मेयर रह चुकी हैं और वो भी आज बीजेपी में शामिल हो रही हैं। चंद्रशेखर जी बेद का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री नंदलाल पुनिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राजगढ़ से कई बार विधायक रहे हैं, इनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें। श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी जो जयपुर से महापौर रही हैं, वो भी कमल में
भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने रियासत के अवाम से जो झूठे वादे किए थे, आज राजस्थान के लोग पूछ रहे हैं कि किसानों के कर्ज मुआफी की जमानत का क्या हुआ, खवातीन के तहफ्फुज की जमानत का क्या हुआ और राजस्थान की तरक्की की जमानत का क्या रहा। राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में शीर्ष पर कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है, इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वो ही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक जलसायाम में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर रियासत में हमारी हुकूमत आती है तो हम रोजगार और तरक्की पर काम करेंगे। सब रात दिन मेहनत करते हैं, कोई खेती में करता है, कोई रोजगार करता है, यहाँ से पलायन बहुत है, लोग दूर दूर जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, जो दूर जाते हैं अपने परिवारों को छोड़ के जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसे भेजते हैं घर, किस लिए? ताकि आपका भविष्य मजबूत बने। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी कारकुनों की मुबैना तौर पर हरासा किए जाने पर मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने आज रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकारी अहलकार बीजेपी के झंडे वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं, बीजेपी लीडरों को डराने के लिए मारा जा रहा है। मनसुख मांडविया ने इल्जाम लगाया कि कई इलाकों में इंतखाबी जाब्ता अखलाक के खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डराने के लिए उसकी हत्याएं हो रही है। हत्यारा सार्वजनिक तौर पर चैलेंज करते हैं लेकिन भी उसके सामने एक्शन नहीं किया जा रहा है। कई क्षेत्र में दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का भंग हो रहा है, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव हो ये बहुत आवश्यक है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में जलसायाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारी पहली तरजीह रियासत की हमागीर तरक्की है। ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने महुआ मोत्रा के पैसे लेने और पार्लियामेंट में सवाल पूछने के मामले पर सख्त तश्वीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह कौमी सलामती का मामला है और इस पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है। संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं। देश जानना चाहता है ये आखिरकार सांसद बिक कैसे गए, अब सांसदों को चलाएंगे, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं और मुझे लगता है इस मामले में जल्द जाँच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए 21 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी की दूसरी फहरिस्त में मनीष शर्मा को बीकानेर वेस्ट से टिकट दिया गया है, बहरोर से हरदान सिंह गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है, संचोर से रामलाल बिश्नोई और खानपुर से दीपेश सोनी को जगह मिली है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर जगदीप धनखड़ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर ने आज हमीरपुर में बल्दिया के कारकुनों की रिहायशगाह का दौरा किया और मुकामी लोगों से बातचीत की। मरकजी वजीर ने अपोजिशन इत्तेहाद को निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद की स्याह हरकतें हैं। ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ये सब एक दूसरे से अलग सोच और विचारधारा वाले हैं। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे हैं। बहुत सारे लोग जमानत पर बाहर हैं, बहुत सारे जेल के अंदर हैं। ये इनका गठबंधन का चेहरा है। यूपीए नाम बदला है, कारनामे काले ही हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ एक रोजा दौरे पर उत्तर प्रदेश के ओरिया जिले पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्तैकीन को इनामात से नवाजा। वजीर आला योगी ने 688 करोड़ रुपए की मालियत पर मबनी 140 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खवातीन से कहा कि बेटियों और बहनों को लक्ष्मी की तरह इज्जत दी जाएगी। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत खसूसी ट्रेन अमृत कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम की कॉल पर मुल्क के तमाम देहातों, शहरों और हीरोज की सरजमी से मिट्टी इकट्ठा करने की मुहिम अपने अख्ताम को पहुंच रही है। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत ओडिशा के 13,250 गांवों से मिट्टी जमा की गई, जिसके बाद इस जमाशुदा मिट्टी को दिल्ली ले जाया जाएगा। एक सौभाग्य का अवसर है, प्रधानमंत्री मोदी जी की आह्वान से देश में सभी गांव से, सभी शहरों से, सभी पंचायतों से वीरों की भूमि से मिट्टी संग्रह का अभियान समाप्ति की ओर जा रहा है। मेरा देश मेरा मिट्टी इसी कार्यक्रम के तहत उड़ीसा की 13,250 गांव से मिट्टी को संग्रहित किया गया है। उड़ीसा की सभी शहीदों के गांव से मिट्टी को संग्रह किया गया है। आज 1400 प्रतिनिधि मिट्टी को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। उड़ीसा के सभी लोग उसमें सभी भेदभाव को भूल के एकत्रित होकर प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को समर्थन किए। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का अहतमाम चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया। इस दौरान पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में चंडीगढ़ के तमाम वार्डों से मिट्टी को मुख्तलिफ कलशों में इकट्ठा किया गया, जिसे अमृत कलश में मिलाया गया। इस अमृत कलश को दिल्ली में मुनाकिद होने वाले कौमी सतह के प्रोग्राम के लिए भेजा जाएगा। प्रोग्राम में नेहरू युवा केंद्र के रजाकारों, CRPF, BSF काउंसिलरों और चंडीगढ़ इंतजामिया के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। तकरीब में हुब्बुल वतनी के मौजू पर तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। अमृत महोत्सव के तत्वाधान में यह अभियान एकता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना से परिपूर्ण है। मेरी माटी मेरा देश राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जन जागरण का कार्यक्रम। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरीश द्विवेदी ने बस्ती से दिल्ली तक कलश को झंडी दिखाकर बस के जरिए रवाना किया। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट, CDO समेत सभी ब्लॉकों और नगर पंचायत के रजाकारों के साथ जिला यूथ वेलफेयर ऑफिसर अनुराग यादव की क्यादत में बस कलश यात्रा रवाना हुई। इस मौके पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरीश द्विवेदी ने कहा कि हमारे मुल्क के जो शहीद हैं, जिन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए ताखुन दिया और अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी बाद में दिल्ली में हर घर के आंगन की मिट्टी की मदद से अमृत वाटिका बनाई जाए। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर गांव की मिट्टी, हर शहीद परिवार के घरों की मिट्टी, उनके आंगन की मिट्टी से दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाया जाएगा। बस्ती जिले के हर गांव से मिट्टी एकत्रित होकर के ब्लॉकों पर आई और ब्लॉक से कल जिला केंद्र पर आई, जहाँ पर मैं स्वयं था, जिलाधिकारी महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित अधिकारीगण, यहाँ पर उसका हम लोगों ने वेलकम किया, स्वागत किया और आज उसको हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है। आज यहाँ से लखनऊ जाएगा और लखनऊ में
इसका भव्य कार्यक्रम होगा और फिर लखनऊ से दिल्ली जाएगा। जिला यूथ वेलफेयर ऑफिसर अनुराग यादव ने बताया कि जमाशुदा मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इस तारीख को दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उसको एड्रेस करेंगे और उसके बाद ये सभी देश के हर एक घर से जो मिट्टी गई है उस मिट्टी को वहाँ पे एकत्रित करके एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी जिसमें जो है ये उसका उद्देश्य है कि आज़ादी के 75वें वर्ष पे हमारे देश के हर स्वतंत्रता सेनानी हर गांव हर जो भी छोटे नगर पंचायत है घर की मिट्टी से पूरे देश में एक अमृत वाटिका बनाए ताकि वहाँ कोई जाए तो उसको ये एहसास हो कि इस अमृत वाटिका में हमारे घर और हमारे गाँव हमारे विकासखंड हमारे नगर पंचायत की भी मिट्टी है जिससे हम आज़ादी के 75वें वर्ष पे अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनको सलाम कर सकें। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर की रिपोर्ट में कहा गया है कि दारुल हुकूमत दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा के मेयार की सतह खराब हालत में है। इन इलाकों में हवा के मेयार का औसत इंडेक्स 250 से जायद है जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी के 22 लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। दारुल हुकूमत दिल्ली की हवा के मेयार की सतह मुसलसल गिर रही है। दिल्ली की हवा का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में इसके मजीद खराब होने का इम्कान है। मौसमी हालात पटाखों से पैदा होने वाली आलूदगी और धान की पराली को जलाने की वजह से हर मौसम सरमा में दिवाली के आसपास दिल्ली NCR की हवा का मेयार खतरनाक सतह पर पहुंच जाता है। हमारे नामा निगार तापस भट्टाचार्य ने आलूदगी की सतह को कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इकदाम के बारे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मेंबर सेक्रेटरी अरविंद नौटियाल से बात की। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उससे किस तरीके से निजात पाए जा सकते हैं इस वक्त बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरविंद नौटियाल मेंबर सेक्रेटरी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली के NCR के लिए। सर सबसे पहले तो नौटियाल जी ये बताइए कि दिल्ली में हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो एयर पॉल्यूशन है खासतौर से ये जो सीजन है इसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका क्या कारण है हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में जब पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में जाने की उम्मीद है तो क्या GRAP 2 GRAP 3 का लागू होने के चांसेस हैं? विंटर मंथ्स में जब ये एयर क्वालिटी क्रिटिकल स्टेज में आती है तो उसके लिए ग्रैप बनाया गया है। तो ग्रैप इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसा कि आप सबको विदित है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हालांकि अभी वो हमारी वो स्टेज पहुंची नहीं है जो 300 AQI जब पहुंचता है तो ग्रेड ग्रैप का स्टेज 2 लागू कर दिया जाता है। लेकिन हालांकि अभी एक्चुअली अक्टूबर में इस साल में सिर्फ एक दिन अभी तक AQI 300 के पार हुई है जो कि बाकी सालों के बनस्पत अगर हम देखें तो एक बेहतर स्थिति है। पराली की समस्या हर साल इस समय में आती है अभी भी उसका एक आया है एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। पंजाब आज भी अगर बाकी NCR स्टेट्स की बात करें उनसे ज़्यादा करीब करीब दुगना या तिगना ज़्यादा पराली जला रहा है तो क्या आप लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से ये इस समस्या से जो निपटा जाए इस सीज़न में खास करके? हवा का मयार लगातार खराब हो रहा है लेकिन बेहतर करने के लिए कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाला मुंबई अब अपनी आलूदगी की वजह से सुर्खियों में है। मुंबई ने आलूदगी के मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। आज सुबह मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के करीब हवा के मयार का इंडेक्स 301 रिकॉर्ड किया गया जो सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। और गैर मुल्की खबरों में अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई है। तजवीज़ के हक में 120 वोट डाले गए जबकि मुखालफत में सिर्फ 14 वोट पड़े। भारत बरतानिया कैनेडा जर्मनी समेत 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में इसराइल और हमास के दरमियान इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। इसमें पानी बिजली और सामान की तकसीम को दोबारा शुरू करने समेत बगैर किसी रुकावट के इमदाद गजा पहुंचाने का मुतालबा किया गया। कैनेडा ने इसराइल पर हमास के हमले की मजम्मत के लिए करारदाद में तरमीम पेश की जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अमेरिका इसराइल ऑस्ट्रिया क्रोएशिया जमहूरी चेक फिजी गोइटेमाला हंगरी मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया नॉर्वे पापुआ न्यू गिनी पैरागोई और टोंगा ने उर्दून की तरफ से पेश करदा करारदाद के खिलाफ वोट दिया।
इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करते हुए बमबारी तेज कर दी है। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि वो गजा में अपनी कार्रवाइयों को मुसलसल बढ़ा रही है। इसराइल के इस हमले के बाद गजा में मवासलाती निजाम ठप होकर रह गया है। मवासलाती खराबी के बायस मुतासर इलाकों में काम करने वाली बैन अलाकवामी तंजीमों का अपने अहदेदारों और कारकुनों से राबता मुनक़ता हो गया है। हमास ने हमले के बाद कहा था कि इसके जंगजू इसराइली हमलों का पूरी ताकत से जवाब दे रहे हैं। चीन के शहर हांगचू में जारी पैरा एशियन गेम्स में भारतीय एथलेटिक्स का शानदार मुजाहिरा जारी है। भारतीय एथलेटिक्स ने तारीखी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और पहली बार 111 तमगे जीते हैं, जिसमें 29 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 51 कांसे के तमगे शामिल हैं। ये पहला मौका है जब भारत ने इन खेलों में 100 तमगे जीतने का हिंसा उबूर किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में तारीख रकम करने वाली टीम को मुबारकबाद दी है। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियन पैरा गेम्स में भारतीय टीम के 100 से ज्यादा तमगे जीतने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। वजीर खेल ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि एक बार फिर तमगों की बारिश हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब। मन की बात है जन जन की।